चलिए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि तोड़फोड़ करने के बाद जो मलबा निकलता है उससे हमें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्यों रखना चाहिए। इस प्रक्रिया में आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि इस प्रक्रिया से मलबा निकलता है, उस मलबे को आपको नॉर्थ वेस्ट यानी के वायु कोण में रखना है। इससे मलबे को जल्द से जल्द हटाने में हमको मदद मिलती है। दूसरी बात यह है कि इस मलबे में से जो पुनः उपयोग की चीज़ें होती है उसे आपको साउथ वेस्ट में रखना है ताकि साउथ वेस्ट में बार बना रहे।